इस्लाम में 786 का क्या अर्थ है? संख्याओं का धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ कई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण होता है। इस्लाम में संख्या 786 का एक विशेष महत्व है, जो अक्सर धार्मिक संदर्भों में उपयोग की जाती है। 786 का अर्थ, अर्थ और प्रतीक। संख्या 786 को अक्सर बिस्मिल्ला हिर्रहमानिर्रह के लिए एक संक्षिप्त रूप माना जाता है। इसका अर्थ है अल्लाह के नाम से जो दयालु और दयालु है। यह वाक्य कुरान के प्रत्येक सूरह की शुरुआत में आता है, सूरह तौबा के अलावा। और मुसलमानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक उद्घाटन है। हिजरी और अंकगणित। कुछ विद्वान और धार्मिक लोग मानते हैं कि अरबी वर्णमाला के अक्षरों को उनके अंक समानता के साथ जोड़कर 886 संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए बे खुदो एस बुच 86-60 में विच 40 ओ बुच 1 एल व 30 एल 36 उत बुच 5 दट और 200 होच उच 8 मिम बुच 40 न केस 50 उट वो 200 दच 8 मम तो 40 इन अक्षरों को जोड़ने पर 786 प्राप्त होता है। उपयोग और महत्व। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। 786 संख्या का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर देखने को मिलता है, जैसे कि पत्रों, दस्तावेजों और धार्मिक आयोजन में इसे शुभ मानकर लिखा जाता है। धार्मिक प्रथाएं। कई मुसलमान जब भी कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो वे 786 लिखने की प्रथा अपनाते हैं। इसे एक अच्छे प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। विवाद और आलोचना। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि संख्या 786 का कोई धार्मिक आधार नहीं है और इसे केवल सांस्कृतिक प्रथा के रूप में देखा जाना चाहिए, इस पर विभिन्न विचारधाराएं हैं। निष्कर्ष। इस्लाम में 786 का एक विशेष स्थान है, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रह के लिए एक प्रतीकात्मक संख्याबद्धता है। यह संख्या न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह मुसलमानों के दैनिक जीवन में सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। इसके उपयोग और व्याख्या में विभिन्नता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य अल्लाह के नाम से शुरू होने वाले कार्यों में आशीर्वाद की कामना करना है।